नजीक चिंदे आक हमारा पार्टी के सभापति शेरबहादुरू को नेतृत्व में बने को सरकार शुभ कामना दिमा उ शुभ कामना का साथ संशय तीन व्यक्त करने मेरा अभिप्राय थी तर ममंता पूर्ववक्ता एक अत्यंत प्रतिभाशाली प्रतिबद्ध मित्र ने सांसदले अहिले एउटा सम्झौता विशेषलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्त गम्भीर वक्तव्य दिनुभयो वक्तव्यमा उहाँले दिनुभएको मनुषयाका बारे अहिले म पक्का बल्ने पक्षमा छैन एउटा सानो कुरा तर म उक्त माननीयजीलाई र संसदमा रहनुभएका यावत व्यक्ति र शक्ति सांसद र दलहरूलाई सम्झना गराउन चाहन्छु उक्त सन्धिको प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आएको छ यस्तो कुनै अर्को प्रस्ताव कुनै दिन हिन्दुस्तानबाट आउला अथवा आइसकेको होला चिनबाट आउला अथवा आइसकेको होला युरोप युनियन एउटा शक्तिका रूपमा अगाडि बढिरहेछ छ त्यहाँ पनि आइसकेका होला नेपाल एउटा सानो देश छ सा। भूगोलका हिसाबले सानो छैन त्यता नजानु होला भारत र चिनका छेउमा परेर हामी सानो देखिन्छौँ विश्वका राष्ट्रहरूका तुलनामा आफूलाई हेर्नुको भने हामी मनक्कै ठुलो पनि छौँ संसाधनले हामी रहित छौँ गरिब छौँ तर हामी दरिद्र छैनौँ मानसिकता मात्रै गरिब छ हामीसँग भएको अक्षय र अद्भुत र अमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरू हाम्रो नदी नारादेखि पर्वतराज हिमालयसम्मका जुन नित संसाधन छन् हामीले च्याउन पनि भएको छैनौँ हामीलाई त विदेशी डलरको मात्रै भोक छ खोजी छ ठूल सांस्कृतिक विषय राजनीतिक विषय मात्र मैं तीन समय मैं छुने भारत चीन संयुक्त राज्य अमेरिका अर्क शक्ति का रूप में आकांक्षी अनेकानेक राष्ट्र यूरोप यूनियन देख जापानसम ती देश में विदेश नीति का सिलसिला में यो ज्यादा तथ्यन उग्र मतभेद होने प्रश्न चाहे अमेरिका हेनो चाहे भारत हेन चाहे चीन हेन ठीक बेठीको जे दृष्टिकोण से आपको दृष्टिकोण तू ठीक कि बेठीक भादा बेठीक नहीं हो तर बेठीक कमीपी आज राजनीतिक दल को यो दबदबा में चकचकी में देश में लोकतंत्र होना ज्यादातर दलतंत्र चल रख बेला में पच्चील सर्वोच्च अदालत अब्बाद का रूप में आयोजित गणतंत्र का मजमा हमारा सरोकारवाला दलह विदेश नीति बना सकतेन पूर्ववक्ता माननीय जिससे सारगर्भित तो कुछ भन्न भाई समझना राख आवश्यक जब समुक का सरोकारवाला मूलूक का सब दल साझा विदेश नीति का प्रति प्रतिबद्ध होतेन हमीर मध्य प्रत्येक एक अर्य तल देखा उचा देखा मुख को तितो मैं पोखं अस खास संधि का बारे म टिप्पणी करना चाहन्न हम आत्मनिर्भर बंदाखि हम विदेशी सहायता बिना भी बन सकता हमी हमारा देश का संसाधन माल पा चाल को ना शैली में अगर बढ़ाई रहें कोई अब बात छैन को मंत्री अब बात छेन को प्रधानमंत्री अब्ब छेन उन्ले आत्मा भी चिहायान मूलुक हरियान् हरिग्न लिने कुरु वहां दीने क्यों योग विषय का उन बड़ो तो विचारोत्तेतिक ढंग जिम्मेदार नेकमा के मित्र भन्न भे मैं क्या भन्न मन लगो तो लयद बारम्बार विभिन्न मंच पर भेजे पैली हमी साझा दृष्टिकोण बनाऊ भारत का प्रति चीन का प्रति अमेरिका का प्रति अभी कुछ सन्धि खारिज करने कुन नगर्ने कु नराख्ने करूं राष्ट्रीय नीति को प्रश्न सभा मधे मूल कारण के प्रधानमंत्री शेयर बाबूला शुभ कामना और बधाई भी दिन संगसंग वहाँ समझना करा न सानों कुछ समझना कर दोसरो जन आंदोलन को उपलब्धि दोसरो आंदोलन को जनादेश का बेला में हमारा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरीजा प्रसाद कोरला प्रधानमंत्री होतृत्व में नहीं चौसठी को अंतरिम संविधान बनो। ते अंतरिम संविधान का बाहक परिचालक संभा को को थे तब ते अनुहार मोटामोटी रूप में अरकार में सामिल दीर्घका जन जन के सशस्त्र जनसंगाल्भ अंतत बार बुद्धी समझौता में पुग्न भाग माओवाद नेक माओवादी का नेता सभामुख समेत नेतृत्वमें मधेश आंदोलन का नौ में अंतिम संविधान चुनौती दिने अर् नेता एमएयात्री थी तर एमआलए को नेतृत्व कदाचित अभीर्ता पंक्ति में टाउको गंदा सांसद भा बड़ी हैसियत राख्ने वतमान गठबंधन का सहयोगी पूर्व प्रधानमंत्री कमरेड माधव नेपाल सब यहाँ संगसंग दल को तानाशाही भाजपा मथि उठे विवेक प्रयोग करने कतिपय स्वतंत्र सांसद पी क्यो गठबंधन पंचायत काल में चलते मिलीजुली खान होने इस गठबंधन का प्रत्येक स्टेक होल्डर प्रत्येक सहभागी हाथ राखे समझ गणतंत्र को घोषणा पीछे अथवा संविधान को निर्माण पी बीत वर्षर में कम जनता लगे बल्ल हम पालो आए लाखों रूप में चप्पल लगाकर सड़क में नेपाली जनता कगेन एहे अब तो नया सुरुआत भैस इस मोर्चा का सब संगठक ने खासगरी अध्यक्ष प्रचंड बाबूराम भट्टरायेन्द्र यादव के आदरणीय कमरेड माधव नेपालजी सब्जूपर्ो विगत दस वर्ष कसरी गए सपन सपना में गए के मैं व्यंग्यात्मक शैली छप्नद्रष्टाध्य हो, हो। मुख्य कुरो के थियो माग उर्दू में प्रसो कविता पाकिस्तान को समस्या तैयार कवि फायज लेखे जो बिहान हो हिड़े थो हमी तो बिहान ते रही अर्को समय आए हिंदू का कवि ने बना कहाँ तो वाधा था चराग हर घर के लिए लेकिन पूरे शहर को भी चराग महेश्वर नहीं बड़े आम जनता में जो असंतोष आगे नागरिक आंदोलन फिर तात्ते हिड़क बिर्स सर्वोच्च अदालत का विगत का दुई फैसला में रमने काम नगर्नोस् सङ्घीय राज्यको नारा मधेसवादी पार्टीले उठाएको थियो त्योभन्दा पहिले नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रले ने प्रस्ताव गरिसकेको थियो तर आज पनि सङ्घीय राज्य कागजमा सीमित छ सम्झना गराउन चाहन्छु सरकार जसको बनोस् कोभिडको प्रतिकारमा स्थानीय सरकारले प्रशस्त काम गरेका छ स्थानीय सरकारलाई कसरी स शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ यस विराट मोर्चाले सफल गरोस् ठिक त्यस्तै अहिले पनि सङ्घीय राज्यलाई चाहिने खालको निजामती ऐन प्रहरी ऐन बनेको छैन यो सरकारले त्यो काम गरोस् कोभिडका बारेमा खोप 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 भनेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ तर साथीहरूमा जुन एक प्रकारको असन्तोष निराशा सत्ताधारी पङ्क्तिमा आइरहेछ त्यसमा उहाँले ध्यान दिनुपर्छ यो अवश्य हो कि वर्षौँदेखि बिग्रिएको व्यथिति एकै दिनमा केही गर्न सकिँदैन त्यस्तै ते हामीले प्रधानमंत्री व सरकार को बारे फैसला कर दिन लाइक हनीमुन भैया ध्यान दिवस मुख्य रो हम लक्ष्य के हो हम मंजिल के हो मुख्य लक्ष्य र मंजिल रंजिले हमी बड़ो सकस बड़ो प्रयास कर संविधान जोगा याद रह सभापुख महोदय म तो एक्लो सांसद हो नेपाली कांग्रेस भिट जिस संविधान का अन्तर्विरोध यस संविधानको विसङ्गति यहाँसम्म कि भाषाको त्रुटि समेतसँग आपत्ति जनाएर संसदको अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेका थिएँ मेरो हस्ताक्षर छैन संविधानमा तर हाम्रो पार्टीभित्र अन्यमा स्थल हुँदाहुँदै पनि यो संविधान बहाली हुनुपर्छ संसद बहाली हुनुपर्छ भनेर कदाचित अत्यन्त ज्यादा तर्क गर्नेहरूमध्ये हामी के साथीहरू थियौँ